कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। चूंकि एडवांस अकाउंटिंग की क्लास है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे अभी मैं एक नया चैप्टर जिसका नाम टीडीएस है, क्या नाम है? टीडीएस हैं। इसका पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये भी इनकम डिपार्ट टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ही है। और क्या किया जाता है इसको, एक डिडक्शन होता है हमारे इनकम। हर इनकम का एक अलग अलग सेक्शन है और हर सेक्शन में अलग अलग रेट का जिक्र किया गया है। सिंपल एग्जांपल जिसको आप सभी यूज करते हैं, जैसे कि ड्रीम इलेवन या इससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है, हमारे सर्कुलर है, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप 10,000 से अबव अमाउंट विन करते हैं, जीतते हैं, तो उस अमाउंट पे आपको 30% टीडीएस डिडक्शन। इससे पहले नॉर्मली आपने इनकम टैक्स के बारे में अगर पढ़ा होगा तो उसमें लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है कि एज वाइज होता है। जैसे मैंने जब पढ़ा था 2017-18 में तो अलग था, अभी बढ़ गया है लिमिट। लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ, वो समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये मैटर नहीं करेगा। 0 से लेकर 59 साल, जिनकी उम्र, जो लोग 0 से 59 साल के बीच में वेरी करते हैं, उन्हें बोलते हैं एडल्ट। और अगर वो 2.5 लाख रुपया, तो मैंने जब पढ़ा था तब की बात बताऊँ, 2.5 लाख तक कमाते हैं अगर, 2.5 लाख तक, तो उनको मतलब 2.5 लाख तक ही कमाते हैं तो उनको कोई कर नहीं देना, टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्ट, कर मुक्त रहे। लेकिन अगर 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में कमाते हैं, 5 लाख के बीच में कमाते हैं, तो उनको उस पे 5% का टैक्स देना होता है। और 5 से लेके 10% के बीच में कमाते हैं, 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाते हैं, तो 20% का टैक्स देना होता है। और 10 लाख से अबव कमाते हैं तो उसको 30% का टैक्स देना। ये लिमिट बदल गई है अब, 0 से 59 साल के लिए लिमिट 2.5 लाख से आपके 5 लाख हो गई है। लेकिन मैं तब की बात था। और जिनकी उम्र 60 से लेकर 80 के बीच में है, उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। इनकी जो टैक्स लिमिट है 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है, कर मुक्त होती है, कोई कर नहीं देना है। लेकिन अगर 3 से लेकर 5 लाख के बीच में कमाते हैं तो आपको क्या करना होगा, 5% का टैक्स देना होगा। और अगर 5 से लेकर 10 के बीच में कमाते हैं तो 20% का टैक्स देना होगा। और 10 लाख से अबव कमाते हैं तो 30%। और जिनकी उम्र 80 से अबव है, जिन्हें बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र 80 से अबव है, उनका टैक्स लिमिट क्या था, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था, एग्जेम्प्ट था। और 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में कमाने पे 20% टैक्स देना था। और 10 लाख से अबव कमाने पे 30% का टैक्स देना, यही लिमिट है। और ऐसा था कि मान लो आप 3 लाख रुपया कमाते हो, 3 लाख रुपया मान लो आपकी उम्र 0 से 59 के बीच में, जैसे उदय की ही बात कर रहे, 3 लाख रुपया का मान लो एनम है पर, तो 3 लाख किस कैटेगरी में आएगा? इस कैटेगरी में आएगा नहीं, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में ये 3 लाख जाएगा ना। तो ये होता था कि 3 लाख कमाते तो 2.5 लाख पहले निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख तो कर मुक्त है ना, तो 3 लाख में 2.5 लाख निकाल देंगे तो 50,000, और 50,000 का 5% टैक्स देना होता था। लेकिन टीडीएस क्या है कि अगर लिमिट है कि 3 लाख तक, 2.5 लाख तक, और आप 3 लाख कमा रहे, 2.5 लाख तक लिमिट है और 3 लाख आप कमा लिए, तो 3 लाख का 5% दे, इसमें क्या है, जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उस पे 5% दे रहे हैं ना। आप टीडीएस का मतलब क्या होता है, अगर लिमिट को क्रॉस किए तो पूरे का हर जाना। जैसे आपने एक नहीं देखा होगा कि मान लीजिए आप कहीं से टिकट पकड़ लेते हैं, ट्रेन में घुस जाते हैं, और टीटी जब पकड़ता है, मान लो ट्रेन चली है छपरा से, जा रही है गोरखपुर, और आप क्या किए, बीच से कप्तान ने से ट्रेन पकड़ ली और टीटी ने बीच में आपको पकड़ लिया, तो अगर आपके पास स्टेशन टिकट है तो बच गए, और नहीं है तो टीटी क्या करता है, पूरा मुआवजा ले लेगा, छपरा से लेके सीधे गोरखपुर का टिकट पकड़ेगा। बोले साहब कप्तान चढ़े थे, उन्होंने प्रूव किया है, क्या कहेंगे बोतल का पानी खरीद रहे हैं वहीं से, कोई प्रूफ नहीं। अगर स्टेशन टिकट है तो बेच लो। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेकंड, अगर लिमिट पार किए टोटल अमाउंट का आपको पूरा परसेंट टैक्स देना होगा, टीडीएस देना होगा। लेकिन वही इनकम टैक्स की अगर बात करते हैं तो सिर्फ लिमिट जो क्रॉस हुई है, जितनी अमाउंट क्रॉस हुई है, यानी अगर हम बात करें 10 लाख की,
सोचिए, अगर हम 10 लाख की बात करें, 10 लाख की सैलरी है, 3 टाइप के लोग हैं, एक 0 से 69 का लोग है वो भी 10 लाख कमा रहा है, एक 60 से 80 के बीच में है वो भी 10 लाख कमा रहा है, और एक 60 से एबव है, 80 से एबव है वो भी 10 लाख। इसकी लिमिट क्या होगी? 10 लाख में 2.5 लाख कैसे निकल जाएगा? कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख लेके 5 लाख के बीच में मैक्सिमम कितना पैसा रख सकते हैं बताओ? आप बताओ, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में मैक्सिमम कितना पैसा रख सकते हैं? अरे 2.5 लाख ना भाई, 2.5 लाख से 5 लाख कितना हुआ? 2.5 लाख में हुआ, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना पैसा रख सकते हैं मैक्सिमम? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख आप यहाँ एडजस्ट कर लिए, 10 लाख था ना, 2.5 लाख आप 2.5 लाख तक एडजस्ट कर लिए, और इसमें कितना एडजस्ट कर पाएंगे? यहाँ पे भी 2.5 लाख एडजस्ट कर पाएंगे, और इसमें 5 से लेकर 10 के बीच में इसमें 5 लाख रुपया एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका कितना हो गया? 2.5 2.5 5 हो ही गया, और इसमें कितना एडजस्ट होगा? 5 लाख रुपया एडजस्ट। यही 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं होगा, 2.5 लाख का 5% 12,500, और 5 लाख का 10 20% कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख होगा ना, 5 लाख का 1% कितना होगा? 10% 20% कितना होगा? 1 ही लाख हुआ, 1,12,500 हुआ। अच्छा, इस पे निकलिए, 21 एज का था, 0 से 59 साल का, इस पे निकाल के देखिए, 60 से 80 के बालक में निकाल के देखिए, 3 लाख तक कोई टैक्स भी नहीं लेना है, नहीं लेना है ना? 3 से 5 लाख के बीच में कितना पैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं? 2 लाख। 3 लाख आप यहाँ एडजस्ट कर दिए, 2 लाख यहाँ एडजस्ट कर दिए, और 5 से लेकर 10 के बीच में कितना एडजस्ट कर पाएंगे? 5 लाख। अब 10 ही लाख रुपया था ना, मान लो 12 रहता तो और आगे लिमिट बढ़ती है ना, तो देखो 3 2 5 5 और 10 ही लाख में कमाता है। अब निकालिए, 3 लाख तक कोई टैक्स भी नहीं देना है, 2 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 10 हजार। 10 ही हजार होगा, और 5 लाख का 20%, 1 लाख। 1,05,000 ना, 1,05,000। 5 ही कितना होगा भाई? 1,10 हो जाएगा, सुन जाओ, 2 लाख का 5% कितना होगा? 10 हजार। हाँ, 1,10,000, और यहाँ पे कितना था? 1,12,500 है ना। सोचो, एज कम हो रही है, टीडीएस कम होता जा रहा है, टैक्स कम होता जा रहा है, और ये 80 साल की बात करें तो यहाँ 5 लाख तक सीधे सीधा कर मुक्त है, कोई टैक्स नहीं लगता, और 5 लाख के 10 से लेकर 10 लाख के बीच में कितना? 5 लाख यहाँ एडजस्ट कर लिए, यहाँ कितना एडजस्ट कर पाएंगे? 5 ही लाख ना, और 5 5 आ गया 10 के बराबर, 5 लाख का 20%, 1 लाख, बस 5 लाख तक कर मुक्त है। यानी यहाँ 1 लाख रुपया देना पड़ा अगर उम्र आपकी 80 से ज्यादा है तो, अगर उम्र 60 से 80 के बीच में थी तो 1,10,000 देना पड़ा, और 0 से 59 में दे 1,12,500, यानी यंगस्टर को ज्यादा टैक्स देना, जो लोग यंग है ना, तो ये तरीका होता है। ये पहले था, अभी लिमिट नॉर्मल लोगों की लिमिट 0 से 59 साल के जो है उनका ये लिमिट 2.5 लाख से हट के 5 लाख हो गया, यानी स्लैब बदल गया, चेक कर लीजिएगा आप लोग, इससे कोई लेना देना नहीं है, समझा रहे हैं। लेकिन जो टीडीएस हम पढ़ेंगे उसमें अगर कह रहा है कि इसकी लिमिट 10 हजार है, और नहीं तो आपको 10% का टैक्स लिया जाएगा, तो अगर आपकी लिमिट 1 को 1,000 बढ़ गई ना, मान लो 11 हजार हो गई, तो अभी नहीं है कि 10 हजार निकाल के 1,000 का 10%, नहीं, 1,000 का 10%, यानी 1,100 रुपया टीडीएस कटे, थोड़ा सा भी ओवर हो। जैसे अगर आपने कभी फ्लाइट का यात्रा किया होगा, देखिएगा एक लिमिट होती है कि आप इतना ही बैग सामान ले जा सकते हैं, अगर एक भी दो कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ ना, तुरंत ही पेनाल्टी ठोक देंगे, 5,000 रुपये या जितना भी होगा, 5,000 लगना है कन्फर्म। मेरी मौसी, मेरे भैया की लड़की के लिए, इसके बच्चे पैदा होते हैं तो पहले पुराने कपड़े ही पहने जाते हैं ना, नए नए पहनाए जाते हैं, तो मौसी लेके आ रही थी कपड़े एयरपोर्ट से, बैंगलोर से, पुराने सोच के कि बच जाएगा पैसा, भाई इतना कपड़ा महंगा नहीं था जितना वो लग गया, 7,000 रुपये का पेनाल्टी लग, और देना पड़ेगा, ये भी नहीं पीछे, तो ये पीछे नेक्स्ट वाला निकाल दे रहे हैं, ये सब नहीं है, समझ रहे हैं ना बात? तो वही चीज यहाँ पे भी, तो टीडीएस में क्या है, एक्स्ट्रा हुआ तो सीधा सीधा 150। अब आपके सामने मैंने कहा एक फोटो खींच लीजिएगा, पहला पेज आप देख सकते हैं, पेज पे लिखा होगा सबसे पहले टीडीएस इंट्रोडक्शन, पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस किस पे स्टैंड है, किस पे आधारित है, पूरा नाम क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस इन द इनकम टैक्स 1961, यानी किस अधिनियम पे आधारित है? 1961। एक फोन आके दे दीजिए ना, बीच में हो रहेगा कोई भी, दे तो दोनों पास ले जाओ, दोनों पास हमेशा ले जाओ उसके पास, वो बीच में रख दीजिए,
और बाकी लोग हो जाएगा बीच में। देखिए इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि किस अधिनियम पे बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट जो अधिनियम है एक्ट 1961 के तहत। एक क्यों फोन है क्या था तो हाँ उनको नहीं लाया हो परसेंट पूछ रहे हो तुमसे बतियाओ गिरा तो परसेंट कम नहीं होगा। सुनिए तो कहा है विद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु नहीं वाली बात है। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब बताया थे आप उसे क्वेश्चन लाइनों में, ऑब्जेक्टिव आने का मतलब होता है उद्देश्य, क्या होता है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है, एक टाइप का डिडक्शन होता है आपके टैक्स इनकम पे, किस पे लगता है आपकी इनकम, ठीक है। अलग अलग रेट दिए जाते हैं, ठीक है। कहता है इट इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स। ये क्या है, एक मेथड है, एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। विच इंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और क्या करता है ये सुनिश्चित करता है कि इसे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है इनकम वो लगातार बनी रहती है। भाई गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, हमसे ही न किसी एंगल से लेगी, फिर हम ही को देगी वही। अब देख सकते हैं इसमें इसकी स्कोप, इसकी अप्लीकेबिलिटी दी हुई है काफी चीज है, क्या क्या अप्लीकेबल है इसपे देख सकते हैं। एट द प्रेजेंट इनकम फ्रॉम द सेवरल सब्जेक्टेड, मतलब कि आज के टाइम में बहुत सारे इनकम आप हो रहे हैं, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम हो रहे हैं, और सबके टीडीएस का रेट जो है अलग अलग दिया हुआ है। जैसे पहला चीज देख सकते हैं सैलरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सैलरी, और सैलरी के लिए सेक्शन का जिक्र किया गया है, सेक्शन 192 में पेमेंट कोड दिया हुआ है 92B, और दिया हुआ है रेट यानी डिडक्शन का रेट दिया हुआ है। रेट का मतलब डिडक्शन रेट कितने परसेंट का है, 10% का। अगर आप सैलरी अर्न करते हैं 5 लाख से ज्यादा है तो फिर कितना टीडीएस का कटा जाएगा आपसे, 10%। 5 लाख से नीचे है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 लाख अगर है आपका तो कितना टीडीएस देना पड़ेगा आपको, 10%, और 5 लाख का 10% जानते हैं आप कितना, 50,000। अगला दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर, यानी कि अगर आपको ब्याज मिला है चाहे सिक्योरिटी में मिल रहा हो या डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, ऋण पत्र, क्या होता है ऋण पत्र। अगर इन पे आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो सेक्शन 193 में हिसाब कहा गया है कि उस पे आपका डिडक्शन किया जाएगा 10% का, और उसकी एग्जम्पशन लिमिट नहीं दी हुई है 10,000। अगर 10,000 रुपये से अधिक करते हैं आप इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं तो उस पे क्या होगा आपको 10% का टीडीएस लगेगा, ठीक है। डीम डिविडेंड यानी कि लाभांश की बात किया गया है, और कहा है सेक्शन 194 में 10% का डिडक्शन होगा अगर आपके एग्जम्पशन लिमिट 2,500 रुपये। एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2,500 रुपये है, अगर आप इससे ज्यादा करते हैं, एग्जम्प्ट लिमिट है 2,500 रुपये, इससे ज्यादा करते हैं तो जैसे छत नहीं है, छत के बाद रेलिंग होता है, रेलिंग रेलिंग को क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, बस वही बात है। तो वही बात है, यहाँ क्रॉस करेंगे लिमिट को तो फिर गिर जाएंगे, गिरने का मतलब यही है कि पे आउट। अगला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ फॉर अदर, मतलब अदर चीजों पे अगर आपको ब्याज वगैरह मिलता है तो उसमें सेक्शन 194A में कहा गया है, और 10% डिडक्शन होगा, और एग्जम्पशन लिमिट इसमें 5,000 की दी हुई। नेक्स्ट देखें, अगर इंटरेस्ट सिक्योरिटी इफ योर पेयर इज बैंक, अगर बैंक के द्वारा है तो उसपे भी 194A में कहा गया है 10% का डिडक्शन होगा, एग्जम्पशन लिमिट 40,000 की है। किसके लिए, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि जो सीनियर सिटीजन के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके लिए 40,000 की है, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की, मतलब सीनियर सिटीजन 50,000 कमाएगा तब तो जाके लिमिट क्रॉस कर रहा है, और आप 40,000 पे ही क्रॉस, ठीक है। 40,000 ही कमा रहे उतने पे आपको देना पड़ेगा, वो 50,000 कमाएगा तब जाके तो अंतर दे देंगे। जैसे नहीं देखे हैं हम लोग के लिए 2.5 लाख था तो उसके लिए 5 लाख था, वैसे अब तो हम लोग के लिए भी 5 लाख हो गया, उन लोग का और बढ़ गया होगा। लिखा हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉस वर्ड प्रजेस, यानी लॉटरी से आप जीत जाते हैं पैसा तो भी गवर्नमेंट उसको इनकम ही मानती है, लेकिन लॉटरी जुआ से सबसे ज्यादा रेट उसी पे आपको टीडीएस काटा जाता है 30% सीधा सीधा। ड्रीम इलेवन से 10,000 जीती, 3,000 टीडीएस साथे चेक खत्म आएगा, समझ रहे ना। ये सब सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा कल तो पूछेंगे, ठीक है। बाकी आप मुसीहा रही है तो 10,000 के एक्स्ट्रा लिमिट दिया हुआ है। नेक्स्ट देख सकते हैं विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, घुड़सवारी से, घुड़ नहीं घोड़ों का भी रेस होता है ना, उससे भी जॉकी वगैरह उससे अगर जीतते हैं तो उसमें भी एक्जम्पशन लिमिट 10,000 की दी हुई है,
और डिडक्शन जो दिया हुआ है 30% का सेक्शन 194BB में इसका जिक्र किया। पेमेंट कॉन्ट्रेक्टर को देते हैं या सब कॉन्ट्रेक्टर को, जो भी है, चाहे जो भी आप सोर्स ऑफ इनकम है, या CUF मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या आप व्यक्तिगत की बात करें तो 194C में कहा गया है कि आपका 1% का डिडक्शन किया जाएगा टीडीएस के रूप में अगर आपके एग्जिस्टिंग रेट 30,000 को क्रॉस करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जेंशन में सिंगल ट्रांजेक्शन में 30,000 की बात किया गया है और ईयरली 1 लाख की बात की गई। अगला दिया है जिसमें अदर बाकी जो चीजें हैं इसमें कॉन्ट्रेक्टर सब कॉन्ट्रेक्टर वाले में, उसमें 194C में जिक्र किया गया है एग्जेंशन लिमिट इसमें 30,000 की दी गई है और वही सिंगल ट्रांजेक्शन की बात किया गया है। यहाँ रेट डिडक्शन का जो टीडीएस रेट है वो 2% का दिया गया। इंश्योरेंस कमीशन है 194 सेक्शन में डी 194D में इसका जिक्र किया गया है और एग्जम्पशन लिमिट इसमें 15,000 की है और टीडीएस का रेट 5%। ऐसे करते करते आपके सारी चीजें दी हुई हैं। कमीशन ब्रोकरेज का 194S सेक्शन 194S में जिक्र किया गया है, एग्जम्पशन लिमिट इसकी 15,000 है और डिडक्शन जो है रेट का 5%। प्लांट एंड मशीनरी का रेंट देते हैं तो 194I में साफ साफ जिक्र किया गया है जिसमें टीडीएस का रिडक्शन दिया गया है 2% का और अमाउंट दिया गया 2,40,000। चाहे वो फर्नीचर का रेंट हो, बिल्डिंग का हो, मशीनरी का हो, या किसी हथियार इक्विपमेंट का, सब पे 2,40 का ही। और अगर फी है आपका कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस का तो उस पे 30,000 का एग्जम्पशन लिमिट दिया गया है और 194J में इसका जिक्र किया गया है और टीडीएस का रेट जो दिया गया है वो 10% का। बस इतना ही आज की क्लास में, बाकी आप देख सकते हैं अगले पन्ने पर वही ब्रैकेट में बना के दिया हुआ है। तो कल हम क्या करेंगे, टीडीएस की एक नई कंपनी बनाएंगे और काम करेंगे। अभी तक जीएसटी अप्लीकेबल कर रहे थे या जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रख रहे थे, कल की क्लास में एक नई कंपनी बनेगी जिसमें ना जीएसटी की बात आएगी, कुछ नहीं आएगी, बात आएगी टीडीएस की। टीडीएस की कंपनी बनाएंगे और सब टीडीएस के मुताबिक ही काम करेंगे। ठीक है, तो दिक्कत ठीक है। और इस सेक्शन जितने भी हैं फोटो सब लोग खींच लीजिए और कल पूछा जाएगा सारा सेक्शन और किसकी लिमिट कितनी है। ठीक है, और कल जो नहीं आएंगे उनके लिए भी ऑफर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू।